ऑलराइट फ्रेंड्स, राधे राधे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर आपका 6 and 8। ओके, इसको बोलते हैं प्राइसिंग डिसीजन। एक आपका है प्राइसिंग डिसीजन और दूसरा है डिविजनल ट्रांसफर प्राइस, बराबर। लेकिन मैं ये टॉपिक को ना कंबाइन करके आपको सिखाता हूँ, क्योंकि कंबाइन करके अगर अपन सीखेंगे तो एकदम लॉजिकली आपको पूरा चैप्टर एकदम 100% आपसे क्लियर हो जाएगा, राइट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 to 8 and 6 and 8, प्राइसिंग डिसीजन विद डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, अब आप जरा देखिए कि जैसे सपोज यू टेक द एग्जांपल कि आपके पास ये दो डिवीजन है, ये आपका है डिवीजन वन में आप प्रोसेस करते हैं सपोज मिल्क। मैंने आपको क्या बताया, कभी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इफ यू आर लर्निंग एनी टॉपिक, पहले आप समझिए व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ एंड सेकंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ। एक पहली बात आपका टॉपिक क्या है एंड दूसरी बात उसका डे टू डे लाइफ में उसका यूज क्या है। अगर आपको डे टू डे लाइफ से अगर आप यूज करके करोगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। यही चैप्टर आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस में भी आता है, डिविजनल जो है आपका डिविजनल जो मैनेजर है उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मैं आपको कराया था ROI, RI, ये सब कराए थे ना आपको, ROI, RI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन रेजिडुअल इनकम, EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये सब परफॉर्मेंस एनालिसिस में जो आपके चैप्टर्स थे करके ना। तो यहाँ पे वही परफॉर्मेंस एनालिसिस है, डिवीजन वन मिल्क को प्रोसेस करता है और मिल्क को प्रोसेस करने के बाद उसको मिलता है सपोज बटर मिल्क एंड सपोज बटर, बराबर। सपोज आपका जॉइंट कॉस्ट फॉर सपोज से मिल्क 10,000, सपोज लेबर 10,000 एंड सपोज ओवरहेड 10,000 एंड मिलके आपका टोटल 30,000। ओके, बटर मिल्क का सपोज रियलाइजेबल वैल्यू 0 है, इट मीन्स आपका कॉस्ट ऑफ बटर हो जाएगा सपोज से 30,000। अब यहाँ पे आपका है डिवीजन 2। ये डिवीजन टू क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद दे दीजिए नॉर्मल लॉस और दे दीजिए प्योर घी, बराबर है। कॉस्ट है इसका, फर्दर कॉस्ट आपको है सपोज से 30,000, तो टोटल कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा 60,000। नॉर्मल लॉस का रियलाइजेशन 0, तो कॉस्ट ऑफ दिस इज सपोज से 60,000 और इसका जो सेल्स वैल्यू है, वो सेल्स वैल्यू है से 75,000। आपका जो सेल्स वैल्यू है इसका वो कितना है, सेल्स वैल्यू है आपका 75,000। दिस इज योर डिवीजन 1। डिवीजन 1 में प्रोसेज ऑफ मिल्क, उसका जॉइंट कॉस्ट है मिल्क 10,000, लेबर 10,000, ओवरहेड 10,000, टोटल 30,000। बटर मिल्क से अपने को 0 मिल रहा है, बटर का कॉस्ट 30,000, फर्दर कॉस्ट 60,000, डिवीजन 2, नॉर्मल लॉस रियलाइजेशन 0 और आपको प्योर घी मिल रहा है, सेल्स वैल्यू है उसका 75,000। अगर आपकी कंपनी एज ए होल है, अगर आपको डिविजनल मैनेजर का परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं करना है, आपकी कंपनी एज ए होल है, बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा कि व्हाट इज योर सेलिंग सेल्स वैल्यू, आपका सेल्स वैल्यू है सपोज से 75,000 और आपका कॉस्ट आपका है 60,000, बराबर। तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, सपोज आपका प्रॉफिट हो जाएगा इज ए 15,000। आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा सपोज से 15,000, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा 15,000। सेल्स वैल्यू आपका 75,000 है, कॉस्ट आपका 60,000 है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा सपोज 15,000। तो अगर आपने टॉपिक कर लिया है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन तो ठीक है, नहीं तो आएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि अपने को डिविजनल मैनेजर का भी
डिविजनल मैनेजर का परफॉर्मेंस को एनालाइज करना कि मतलब आउट ऑफ दिस 15,000 हाउ मच इज द प्रॉफिट बिकॉज ऑफ डिवीजन वन एंड हाउ मच इज द प्रॉफिट बिकॉज ऑफ डिवीजन टू। उनका जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है, उनका जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है वो इसके ऊपर ही बेस्ड है, उनका जो प्रॉफिट का एनालिसिस है वो इसके ऊपर बेस्ड है, उनको जो बोनस मिलेगा, उनको जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा, ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो यहाँ पे जब उनको परफॉर्मेंस एनालिसिस निकालना है तो आपको ये देखना है कि 15,000 के प्रॉफिट में डिवीजन वन का कितना प्रॉफिट है और डिवीजन टू का कितना प्रॉफिट है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अगर आपका चैप्टर हो गया है तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, नहीं हो रहा है तो आपको जब आगे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये परफॉर्मेंस एनालिसिस वहाँ पे ROI है, RI है, EVA है आपका ना, वो फाइनेंशियल है और फिर नॉन फाइनेंशियल में बैलेंस स्कोर कार्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है आपका, ट्रिपल बॉटम है, वो सब आपको नॉन फाइनेंशियल में देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर ये बोलता है कि नहीं भाई मुझे तो परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, मुझे पता करना है कि मेरे डिवीजन वन का कितना प्रॉफिट है, डिवीजन टू का कितना प्रॉफिट है, वो तो उसके लिए फ्रेंड्स आप जरा निकालिए मेरा पेज नंबर 6.1 पे मैंने आपको दिया हुआ है, थ्योरी दिया हुआ है मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइस। जरा देखिए पेज नंबर 6.1 पे मैंने आपको दिया है मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइस। It is an internal price between one division to others on the basis of mutual understanding. But this method is only applicable if the divisions are independent, separate cost center, separate profit centers and etc. ये decentralized होने चाहिए, मतलब इंडिविजुअल जो आपका जो डिवीजन है वो अपने लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो इंडिविजुअल डिवीजन है आपका वो क्या होना चाहिए, वो अपने लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब डिविजनल मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्टिविटी। यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेपरेट प्रॉफिट सेंटर, सेपरेट कॉस्ट सेंटर, डिसेंट्रलाइज सेपरेट होना चाहिए, तब जाके आपका ये निकलेगा। अब आपको निकालना है प्रॉफिट कि भाई ठीक है इसका कॉस्ट कितना है 30,000। तो पहले ये बोलता है कि भाई सपोज 30,000 है और मेरे को प्रॉफिट चाहिए, सपोज आई वांट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। व्हाट इज योर कॉस्ट 30,000, व्हाट इज योर प्रॉफिट 3,000, आपका मिलके वैल्यू क्या हो जाएगा इज ए 33,000। मिलके वैल्यू क्या हो जाएगा 33,000। ओके, ये इसको 33 में ट्रांसफर करेगा, इसका मतलब प्रॉफिट ऑफ दिस डिवीजन विल बी 3,000, प्रॉफिट ऑफ दिस डिवीजन विल बी 3,000। फिर कॉस्ट आपका हो जाएगा 33 प्लस 30 का प्रॉफिट, इट मींस कितना हो जाएगा 63 और 75 में अगर ये बिक रहा है, इट मींस 75,000 माइनस 63 12,000 रुपीज इस डिवीजन का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कौन सा डिवीजन कितना कमा रहा है, किसका कितना ROI है। ROI के टाइम पे मैंने आपको, अगर आपने अटेंड किया है तो ठीक है, नहीं तो आपको आगे आएगा। ROI मींस कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रोलेबल आपके जो भी एसेट्स है करके ना, उसके ऊपर आपको आएगा। RI आपका है रेजिडुअल इनकम के लिए, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? या कभी कभी ये बोलता है कि नहीं सपोज मेरा इन्वेस्टमेंट है, सपोज से 50,000 रुपीज, ये डिवीजन में मेरा इन्वेस्टमेंट है 50,000 एंड आई वांट ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई वांट 10%। इसका मतलब 30,000 आपका कॉस्ट है, ये वाला कॉस्ट आपका 30,000 हो गया, 5,000 आपका प्रॉफिट है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 35,000। तो ये डिवीजन का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 5, और इसके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा 35 प्लस 30 मिलके आपका कॉस्ट हो जाएगा 65 और बिक रहा है कितने में 75, तो प्रॉफिट इस डिवीजन का कितना हो जाएगा 10,000। कभी कभी ये लोग बोलते हैं कि नहीं आई वॉन्ट ROI 10% बट आफ्टर टैक्स, आई वॉन्ट ROI 10% बट आफ्टर टैक्स एंड सपोज आपका टैक्स रेट है, 50%, इसका मतलब आपको कमाना पड़ेगा 20%, क्योंकि आप 20% कमाएंगे उसमें से आपका टैक्स निकल जाएगा 10%, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या मिलेगा 10%। तो 10 कमाने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा 20%।
आर यू फॉलोइंग और नॉट फॉलोइंग फ्रेंड्स, बोलो। ओके, कभी कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अगर आपका कोई भी प्राइस स्टैंडर्ड पे हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट पे हो सकता है, कभी कभी मार्केट वैल्यू पे हो सकता है, ये बोलेगा कि भाई आप बटर का मार्केट वैल्यू निकाल लो और जो मार्केट वैल्यू हो वो मुझे दे दो। कभी कभी क्या रहता है, ये बोलता है कि देखो मेरा कॉस्ट कितना लगा है 30,000, आपका कॉस्ट कितना लगा है 30,000, हमने मिला के कस्टमर से कितना कमाया है 15,000। तो टोटल कॉस्ट प्लस शेयर प्रॉफिट में भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट प्लस शेयर प्रॉफिट, इट मीन्स इसको हम किस में डिवाइड कर लेंगे, 30,000 इज टू 30,000 में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो आपका टोटल कॉस्ट प्लस शेयर प्रॉफिट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा, राइट? तो ट्रांसफर प्राइसिंग है, या ट्रांसफर प्राइसिंग या तो मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग आपको दे रखा है, नहीं दे रखा है तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। लॉजिकली सोचने के बाद आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आर यू फॉलोइंग? तो एक बार मैं वापस से आपको रिपीट करता हूँ, इट इज एन इंटरनल प्राइस बिटवीन वन डिवीजन टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल इफ डिविजन्स आर इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, सेपरेट प्रॉफिट सेंटर, सेपरेट कॉस्ट सेंटर्स एक्सेट्रा, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अब मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग में जो मैंने आपको बताया था, एक आपका हो सकता है टोटल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं आपको एक एक करके ये सब समझाता हूँ। टोटल कॉस्ट प्लस आरओआई, टोटल कॉस्ट प्लस आरओआई विद टैक्स एडजस्टमेंट, रिलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेसिस, मार्केट वैल्यू, टोटल कॉस्ट प्लस शेयर प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन और एनी अदर मेथड एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो पहला मैं आपको लेके चलता हूँ, मेथड वन आप लिखिए जरा ना फ्रेंड्स, दिस इज योर मेथड वन है आपका टोटल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहला आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अब अगर आपको याद हो मैं आपको डिसीजन मेकिंग में कराया था एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, बराबर? मैं वापस से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर, रैंक फॉर प्रोडक्शन, आपने डिसीजन मेकिंग किया होगा वहाँ पे आपको ये याद आया होगा, है ना? स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए एंड बी, सेलिंग प्राइस ए का है 100, बी का है 100, वेरिएबल प्राइस है ए का 60 एंड बी का 40, तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 40 एंड 60। अगर कुछ नहीं है तो मैं कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाऊंगा, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा पहले बी, बिकॉज बी इज गिविंग मी द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ए को बनाने में मेरे को 2 आवर्स लग रहे हैं, बी को बनाने में मेरे को 4 आवर्स लग रहे हैं, मेरे पास मैक्सिमम 20,000 आवर्स अवेलेबल है, मैक्सिमम डिमांड मेरा ए का 5,000 है और बी का 10,000 है, बराबर? मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने डिसीजन मेकिंग का टॉपिक कर लिया है। उसके बाद अपन, तो पहला अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन। सॉल्यूशन के लिए आपके पास सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं तो हार्ड कॉपी होना चाहिए, नहीं है तो आप मेरे से मांगिए, मैं आपको दे दूंगा। स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर, रैंक फॉर प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस ए एंड बी, वेरिएबल प्राइस 60-40, कॉन्ट्रीब्यूशन 40-60, आवर्स पर यूनिट 2 एंड 4, कॉन्ट्रीब्यूशन 20 एंड 15, रैंक फॉर प्रोडक्शन 1 एंड 2। स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, आपके पास मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल है 20,000, प्रोडक्ट ए एंड बी, पहले अपफ्रंट प्रोडक्ट ए बनाएंगे, ए की डिमांड है 5,000 × 2 10,000, आपके पास बैलेंस बचेगा 10,000, फिर हम बी बनाएंगे और बी का 2,500 यूनिट, बिकॉज 1 यूनिट ऑफ बी इज रिक्वायर्ड 4 आवर्स। स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ए 5,000 × 40 2 लाख रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन, बी 2,500 × 60 150 का कॉन्ट्रीब्यूशन 350, फिक्स कॉस्ट 0 एंड प्रॉफिट आपका 350। अभी इसी चीज़ को लेके मैं आपको एकदम डिटेल में लेके चलता हूँ, एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सेम सम अभी तक 3 से 4 बार एग्जाम में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन 3 से 4 बार सीए फाइनल कॉस्टिंग में पूछा हुआ है। ओके, एक एक पॉइंट को आप जरा ध्यान रखिए कैसे हम लोग करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन,
पेज नंबर 6.2, क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर 6.2, डिवीजन ए इज ए प्रॉफिट सेंटर. प्लीज अंडरलाइन दैट, डिवीजन ए इज ए प्रॉफिट सेंटर. प्लीज अंडरलाइन दैट डिवीजन ए इज ए प्रॉफिट सेंटर. प्लीज अंडरलाइन दैट, डिवीजन ए इज ए प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड. ईच प्रोडक्ट हैज ए एक्सटर्नल मार्केट. डिवीजन है आपका डिवीजन ए, और डिवीजन ए आपका क्या है, प्रॉफिट सेंटर है. इसका मतलब ही इज कंसर्न विद हिज ओन, अपने डिवीजन के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, और वो तीन प्रोडक्ट बनाता है. इट मीन्स एक्स वाई एंड जेड. उसको अपने डिवीजन के प्रॉफिट से मतलब है, उसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं. इसी को हम सब ऑप्टिमाइजेशन बोलते थे बोलेंगे अगर अपने चैप्टर परफॉर्मेंस एनालिसिस में अगर अपन करेंगे इसको. परफॉर्मेंस एनालिसिस में इसको हम बोलेंगे सब ऑप्टिमाइजेशन. बराबर, डिवीजन ए तीन प्रोडक्ट बनाता है एक्स वाई एंड जेड. डिवीजन ए इज ए प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड. ईच प्रोडक्ट हैज एन एक्सटर्नल मार्केट. इसका मतलब ये बाहर ये तीनों प्रोडक्ट को सेल कर सकता है. प्रोडक्ट एक्स वाई जेड एक्सटर्नल मार्केट प्राइस 48, 46 एंड 40. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज 33, 24, 28. लेबर आवर्स रिक्वायर्ड इज 3, 4 एंड 2. प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बी. अब इसके अलावा मतलब आउटसाइड सेल के अलावा हम लोग इसको इंटरनल ट्रांसफर भी कर सकते, इंटरनल ट्रांसफर भी कर सकते हैं. हमारा एक डिवीजन है बी, और बी बोलता है कि भाई मेरे को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए वाई. प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बी, बट द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर इज 300 यूनिट्स. उसको क्या चाहिए, 300 यूनिट्स ऑफ वाई. द मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स, एक्स वाई जेड का मैक्सिमम सेल्स है 800 यूनिट्स. ये बाहर का सेल है 500 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स. बराबर, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट बाय डिवीजन ए, डिवीजन बी कुड बाय द सिमिलर प्रोडक्ट इन द ओपन मार्केट एट स्लाइटली प्राइस ऑफ 45. अगर ये बाहर से खरीदता है, ये अगर यूनिट को वाई की यूनिट को बाहर से खरीदता है, तो उसको क्या प्राइस देना पड़ेगा, उसको 45 रुपीज का प्राइस देना पड़ेगा. व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस बी फॉर ईच यूनिट ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ वाई इफ द टोटल आर्स अवेलेबल 3800 एंड 5600. 3800 आर्स अवेलेबल है, 5600. अब देखो, अगर अपन एक्स वाई जेड बनाते हैं, एक्स को बनाने में 3 यूनिट्स लगते हैं, इट मीन्स 2400 आर्स चाहिए. वाई को बनाने में 4, इट मीन्स 2000 चाहिए, और जेड को बनाने में 2, इट मीन्स 600 चाहिए. आपका टोटल आर्स हो गए 2400 प्लस 2000 प्लस 600 इज 5000 आर्स आपको चाहिए. अपने को 5000 आर्स चाहिए, लेकिन हमारे पास आर्स कितने अवेलेबल हैं, पहला पार्ट अपन ले लेते हैं 3800. तो प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया लिमिटिंग फैक्टर. भैया हम तो हमारे एक्सटर्नल मार्केट के लिए प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, हम तेरे को अलग से कहाँ से दे दें, हम तेरे को अलग से वाई हम तेरे को कैसे बना के दें, हमारा तो खुद का सेल बाहर का नहीं हो रहा है. तो डिवीजन बी बोल रहा है, भाई देख ऐसा है कि तेरे को कंपलसरी तो नहीं है कि तेरे को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, आउटसाइडर को सेल करना ही पड़ेगा, कंपलसरी तो नहीं है ना. तू ऐसा कर कि इन लोग को सेल मत कर, और जो लॉस होगा वो मैं दूंगा तेरे को. जैसे सपोज अगर मेरे पास तीन बैच चलते हैं, ये मेरा बैच वन, ये मेरा बैच टू, और ये मेरा बैच थ्री. मेरे तीन बैच चलते हैं, दिस इज ऑन वीकेंड सैटरडे एंड संडे. मेरे तीन बैच चलते हैं, एक सैटरडे संडे. एक मेरा चलता है 8 to 12, एक मेरा चलता है 12 to 4, और एक मेरा चलता है 4 to 8.
ये तीन बैचेस मेरे चल रहे हैं, ये मेरे तीन बैचेस मेरे चल रहे हैं। अब आप मेरे को बोलते हो कि सर आई वॉन्ट ए होम ट्यूशन, आप ये छोड़ के और आप मुझे पढ़ाइए करके ना, आप मेरे को इंडिविजुअल पढ़ाइए, तो मैं आपसे कैसे प्राइसिंग चार्ज करूँगा? हम लोग तो बहुत फेमस हैं होम ट्यूशन में, जो बहुत पैसे वाले बच्चे होते हैं वो हमको अपने घर पे बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, जाते हैं उनको पढ़ा के आते हैं, इंडिविजुअली वो लोग पढ़ते हैं करके, दे डोंट टू कम इन द क्लासेस, या दे आर नॉट कम्फर्टेबल विद द वीडियो लेक्चर, तो वो हम लोग को बुलाते हैं, हमको बुलाते हैं तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे उनके घर पे। अब अगर आप मेरे को बोलते हो कि सर ये एक बैच छोड़ दो और बैच को छोड़ के आप मुझे पढ़ाइए, तो मैं आपसे कैसे प्राइस चार्ज करूँगा, मैं आपसे कैसे प्राइस चार्ज करूँगा, बराबर? तो एक तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट, जो भी मेरा बुक का कॉस्ट रहेगा वो मैं आपसे चार्ज करूँगा, बराबर। और एक मैं बोलूँगा कि भाई इसमें से ती कौन सा बैच में कट करूँ, तो आप बोलो सर जिसमें सबसे कम आपको प्रॉफिट होता है वो बैच आप कैंसिल कर दो। सपोज मेरे को बैच 8 to 12 में सबसे कम बच्चे मिलते हैं, सैटरडे संडे बच्चे नहीं उठ पाते, वो मेरे को सबसे कम बच्चे मिलते, तो उस बैच को कट करने से जो मेरे को अपॉर्चुनिटी लॉस होगा वो अपॉर्चुनिटी लॉस, बुक का कॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर प्राइस, और इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोला मेरा बैच कट हो जाएगा, कट होने से जो मुझे लॉस हुआ वो मुझे दे दे, प्लस मेरा जो बुक का कॉस्ट है वो मुझे दे दे, तो मेरा जो बचेगा दैट इज माई प्रॉफिट। तो वही चीज है कि ये बोल रहा है कि भाई आपके पास एक्स वाई जेड तीन प्रोडक्ट है ना, उनमें से जहां पे सबसे कम आपको प्रॉफिट आ रहा है, जहां पे आपको सबसे कम लॉस आ रहा है, वो जहां पे आपको सबसे कम प्रॉफिट आ रहा है वो आप कट कर दो, बराबर। और वो प्रॉफिट प्लस आपका जो भी बनाने का कॉस्ट है वो मेरे से ले लो। अब इसके लिए आपको याद हो तो बोलो, स्टेप नंबर वन अपन क्या करते थे लिमिटिंग फैक्टर में, स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आर रैंक फॉर प्रोडक्शन। देखिए जरा कैसे निकालेंगे, इसका मतलब यहाँ पे आपको ट्रांसफर प्राइस नॉट गिवन है, आपको ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं दे रखा है, लेकिन आपको मालूम है कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल टू आपका क्या होगा, ट्रांसफर प्राइस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो जरा आप देख लीजिए, दिस इज योर पेज नंबर 6.2 पे दे रखा है फ्रेंड्स सॉल्यूशन, स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट showing contribution per unit per hour and rank for production, statement showing contribution per unit per hour and rank for production। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स अपने पास, प्रोडक्ट X, Y एंड Z, what is the selling price पर यूनिट 48, 46, 40, वॉट इज द वेरिएबल प्राइस पर यूनिट 33, 24 and 28, वॉट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके 48 माइनस 33, 15, 46 माइनस 24, 22, 40 माइनस 28, 12 डिवाइडेड बाई आर्स पर यूनिट, बट आर द आर्स इज 3, 4 and 2, 3, 4 and 2, contribution per hour 5, 5.56, rank for production 1, 2 and 3, आपका rank for production हो जाएगा 1, 2 and 3। ये आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, कैसे opportunity cost हम लोग निकालेंगे, कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे वो जरा आप समझ लीजिए, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स आपसे, स्टेप नंबर वन
दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आर रैंक फॉर प्रोडक्शन सेलिंग प्राइस 48, 46, 40 वेरिएबल प्राइस 33, 24 कॉन्ट्रीब्यूशन 15, 22, 12 आर्स पर यूनिट 3, 4 and 2 कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर 5, 5.56 एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन 1, 2 and 3 पहले हम क्या बनाएंगे पहले हम बनाएंगे जेड उसके बाद हम क्या बनाएंगे उसके बाद वाई और उसके बाद हम क्या बनाएंगे एक्स ओके आपको याद आ रहा है स्टेप नंबर 2 अपन क्या करते थे इट मींस दिस इज योर स्टेप नंबर 2 इट मींस स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट सबसे पहले आपका आवर्स अवेलेबल देन प्रोडक्ट्स यूनिट्स आवर्स पर यूनिट टोटल एंड बैलेंस आवर्स कितने टोटल आवर्स अवेलेबल हैं 3800 सबसे पहले ओके आप सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे जेड जेड का मैक्सिमम डिमांड कितना है जेड का मैक्सिमम डिमांड है 300 यूनिट्स ओके और एक जेड को बनाने में कितना टाइम लगता है इज ए 2 आवर्स इतने आपके कितने आवर्स गए 600 आपके पास बैलेंस क्या बचेगा 3800 - 600 एंड आपके पास बैलेंस बचेगा 3200 अब आप बनाएंगे वाई वाई की एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम चाहिए 4 आवर्स वाई का डिमांड क्या है वाई का डिमांड है 500 इट मींस 500 × 4 दिस कम्स टू 2000 एंड दिस कम्स टू 1200 ये आपका एक्स एक एक्स की यूनिट को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है एक्स की यूनिट को बनाने में आपको लगते हैं 3 आवर्स इट मीन्स यू कैन प्रोड्यूस ओनली 400 यूनिट्स सही आंसर इसका मतलब आपका जो डिमांड है एक्स का वो है 800 यूनिट्स लेकिन हम बना पा रहे हैं ओनली 400 यूनिट्स उसका डिमांड है 800 लेकिन हम लोग बना पा रहे हैं ओनली 400 तो भाई हमारा तो खुद का ही नहीं बन पा रहा है हम आपको कहाँ से बना के दें बराबर नो प्रॉब्लम तो ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को वाई चाहिए कितना वाई चाहिए मेरे को वाई चाहिए 300 यूनिट्स और एक वाई को बनाने में कितना 4 इट मीन्स 1200 आवर्स मेरे को लगेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि ठीक है आप एक्स को कट कर दो क्योंकि एक्स आपको क्या दे रहा है लीस्ट प्रॉफिट इसका मतलब अगर आप एक्स की 400 यूनिट कट कर देते हो और एक यूनिट पर 3 आवर्स इसका मतलब 1200 आवर्स आपको सेव हो जाएंगे जब ये 1200 आवर्स आपको सेव होंगे उसमें आप मेरा वाई बना देंगे अब आपको जो 400 यूनिट पर लॉस हो रहा है जो आपको एक्स पे 400 यूनिट पर लॉस हो रहा है वो लॉस में आपको भर के दे दूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई आपने मुझे वाई को बनाने में 300 यूनिट को बनाने में एक वाई को बनाने में 4 घंटे लगते तो मुझे कितने आवर्स लगेंगे 1200 बराबर तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई आपको लीस्ट सबसे लीस्ट जो प्रॉफिट आ रहा है आपको किस पे आ रहा है एक्स पे आपका एक्स क्या आ रहा है रैंक 3 आ रहा है एक्स रैंक 3 उसको कट कर दीजिए रैंक 3 पे एक्स जो आ रहा है उसको कट कर दीजिए राइट और वो बना के मुझे दे दीजिए
आर यू फॉलोइंग नॉट, वो बना के आप मुझे दे दीजिए, आपका जो लॉस होगा मैं आपको दे दूंगा, सही या सोनो फ्रेंड। तो ये सबसे पहले आप जरा देखिए कि कैसे इसको अपन करेंगे, ओके। अब आप आ जाइए स्टेटमेंट शोइंग स्टेप नंबर 3, दिस इज योर स्टेप नंबर 3। स्टेटमेंट शोइंग ट्रांसफर प्राइस स्टेटमेंट शोइंग ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ वाई, स्टेटमेंट शोइंग ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ वाई। सबसे पहले टोटल आर्स फॉर वाई, वाई की 300 यूनिट अपने को बनानी है, 300 इंटू 4 आपको कितना टाइम लगेगा, इज ए 1200 आर्स, आपको कितना टाइम लगेगा, 1200 आर्स, ओके। तो कट डाउन एक्स, वाई बिकॉज मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, बिकॉज मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, तो हम लोग कितनी यूनिट्स कट करेंगे, इट मीन्स वी कैन कट 400 यूनिट्स एंड 3 आर्स पर यूनिट इज 1200 आर्स, ओके। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स, एक यूनिट को 400 यूनिट्स, एक पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा था, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा था 15 रुपीज पर यूनिट, तो आपका 15 रुपीज पर यूनिट, इट मीन्स आपका कितना गया, 6000 गया, एक तो ये आपको लॉस हो गया। और वाई को बनाने का कॉस्ट, इट मीन्स 300 यूनिट्स ऑफ वाई, एक वाई को बनाने में हमको कितना कॉस्ट आ रहा है, हमको एक वाई को बनाने में 24 रुपीज का कॉस्ट है, तो ये 24, इट मीन्स 300 इंटू 24 7200, इट मीन्स 6000 7200 13200 एंड डिवाइडेड बाय 300 यूनिट्स, आपका ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा पर यूनिट 13200 डिवाइडेड बाय 300 इज 44। अगर ये 44 में ट्रांसफर करता है, अगर ये 44 में ट्रांसफर करता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 44 में ट्रांसफर करता है तो डिवीजन ए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको तो अपना अपॉर्चुनिटी मिल ही गया करके ना। और वाई को ये प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है बाहर, वाई को ये प्रोडक्ट मिल रहा है 45 में, तो 44 और 45 के बीच में ये कुछ भी अपने को दे सकता है, तो मिनिमम आपका जो ट्रांसफर प्राइस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 44, सही है सुनो, मिनिमम आपका जो ट्रांसफर प्राइसिंग रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 40। व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर टू बी 300 यूनिट्स ऑफ वाई इफ द टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस रहेगा 44 से कम में ये नहीं देगा, ओके। और ये 44 और 45 के बीच में कोई भी प्राइस है तो ये ले सकता है, क्योंकि इसको आउटसाइड मार्केट में कितने में मिल रहा है, 45 में मिल रहा है, इसका खुद का कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, खत्म। बोलो या सुनो फ्रेंड्स, आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बताइए। 44 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, इज ए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। अब सेकेंड सिचुएशन ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास सपोज आर्स अवेलेबल है, मेरे पास 5600, मेरे पास टोटल जो आर्स अवेलेबल है 5600, तो नो प्रॉब्लम, हम स्टेप नंबर 4 बना लेंगे। क्या बनाएंगे, स्टेप नंबर 4 स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान,
दूसरा प्लान अपन बना लेंगे, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। पहला है आपका आर्स अवेलेबल प्रोडक्ट्स यूनिट्स, आर्स पर यूनिट टोटल एंड बैलेंस आर्स, आर्स अवेलेबल, आर्स अवेलेबल कितना है अपना 5600, आर्स अवेलेबल आपका क्या है 5600। फर्स्ट प्रेफरेंस जेड, जेड की कितनी यूनिट्स हैं 300, 300 इंटू 2 इज 600, सो 5600 माइनस 600 आपका बैलेंस आएगा 5000। फिर आप क्या बना सकते हैं जेड, जेड बनाने के बाद आपको वाई, वाई 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 की कितनी यूनिट्स हैं आपकी 500 यूनिट है, 1Y को बनाने में 4 आवर्स इट मीन्स 2000, ये आपका 2000 आपके पास बैलेंस कितना बचेगा इज ए 3000। फिर आप क्या बनाएंगे X, X 800 यूनिट्स इंटू 3 दिस कम्स टू 2400 माइनस 2400 और आपके पास बैलेंस क्या बचेगा 600। आपके पास बैलेंस क्या बचेगा, आपके पास बैलेंस बचेगा 600 आवर्स, आपके पास बैलेंस क्या बचेगा, आपके पास बैलेंस बचेगा 600 आवर्स। बोलो या सुनो, आपके पास बैलेंस क्या बचेगा, आपके पास बैलेंस बचेगा 600 आवर्स। अब आपको जरा ध्यान देना है, अब आपको बनाना क्या है, आपको वाई बनाना है, वाई की कितनी यूनिट्स हैं 300 एंड 300 इंटू एक वाई को बनाने में 4 आवर्स लगते हैं इट मीन्स 1200, 1200 में से 600 तो आपके पास है टाइम, आपको बस 600 आर्स ही चाहिए, तो 600 के लिए यू कैन कट ओनली 200 यूनिट्स ऑफ एक्स। अगर आपको 200 यूनिट्स अगर आप कट कर देते हो तो आपको 600 आर्स अवेलेबल है, 600 आपका कट होके आ जाएगा 1200 में अपन वाई बना के दे देंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, स्टेटमेंट शोइंग ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ वाई, नाउ टोटल आर्स रिक्वायर्ड फॉर वाई, टोटल आर्स रिक्वायर्ड फॉर वाई इज 300 इंटू 4, 300 इंटू 4 1200, टोटल आर्स रिक्वायर्ड फॉर वाई 300 इंटू 4, ओके। नाउ बैलेंस आर्स हमारे पास अवेलेबल है, बैलेंस आर्स 600, राइट, तो शॉर्टेज है अपने पास, अपने को शॉर्टेज रहेगा कितने का 600, शॉर्टफॉल बोल सकते हैं, शॉर्टेज बोल सकते हैं, मतलब हमको टोटल आर्स कितने चाहिए, हमको टोटल आर्स चाहिए, हमको टोटल आर्स कितने चाहिए 300 इंटू 4 1200 में अपना बन जाएगा, हमारे पास आर्स है 600 तो हमको शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, इट मीन्स दिस इज योर शॉर्टफॉल एंड शॉर्टफॉल इज 600। अब एक यूनिट को बनाने में बराबर अब हमको क्या कट करना पड़ेगा x, बिकॉज मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, तो इसकी कितनी यूनिट्स हम लोग कट कर दें, इट मीन्स 200 यूनिट्स इंटू 3, 200 इंटू 3 इज 600 एंड ये खेल खत्म, सही है सुनो। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x 200 यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने में कितना लगता है 15 रुपीज, इट कितना हो गया आपका 3000 एंड देन
वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ वाई इज 24 के हिसाब से 7200, इट मीन्स 3000 प्लस 7200 इज 10200 डिवाइडेड बाय 300 यूनिट्स, राइट। आपका ट्रांसफर प्राइस मिनिमम हो जाएगा 10200 डिवाइडेड बाय 300 इज 34। अब आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, इज दिस परफेक्टली क्लियर और नॉट टू यू? टोटल आवर्स रिक्वायर्ड आपको कितने हो गए? 1200, उसमें से बैलेंस और ये सब आपको सॉल्यूशन में दे रखा है आपका पेज नंबर 6.3। फोर टाइम्स ये क्वेश्चन आया, थ्री टाइम्स मैंने कवर किया नोट्स में, एक बार मैं आपको करा देता हूँ। इसी स्टेप पे आपके पास सॉल्यूशन बुक है, आप सेम फॉलो करिए और आपका दो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 6.3 ये आपका हो जाएगा, सॉल्व करके मैंने दिया है। क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 6.3 आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर थ्री एंड पेज नंबर 6.5 आपका हो जाएगा, पेज नंबर 6.5 आपका हो जाएगा। सही है, सुनो फ्रेंड्स, आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मीन्स आपको टोटल आर्स आपको, इसका मतलब यहाँ पे ना आपको दे नहीं रखा है, आपको ये नहीं बताया था उसने कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, राइट। कभी कभी 90% केसेस में आपको बोलेगा कि भाई आपको कौन सा मेथड यूज करना है, यहाँ पे इसने बोला नहीं है कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है, तो हम लोगों ने आइडिया लगाया वो लिमिटिंग फैक्टर वाला। तो इसके लिए आपको डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छे से एकदम क्लियरली आना ही चाहिए, तभी जाके आप ये काम कर पाएंगे। सही है सोना, ओके। तो हमको टोटल आर्स कितने चाहिए? हमको टोटल आर्स चाहिए कितने? 1200। हमारे पास बैलेंस कितने आर्स हैं? हमारे पास 600 थे, तो हमारे पास शॉर्टफॉल कितना आ गया? हमारे पास 600 आ गया। हम किसको कट करें? क्योंकि सबसे लीस्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन दे रहा है? एक्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हमको इतने आर्स चाहिए कि एक्स पूरा कट करने के बाद भी नहीं हो रहा है अपना काम, तो अपन को वाई भी कट करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो सामने वाला अपने को दे रहा है ना, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल आर्स हमको कितना चाहिए? टोटल आर्स हमको चाहिए 1200, बैलेंस आर्स हमारे पास 600 है, शॉर्टेज आएगा 600 और ये 200, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3000, वेरिएबल कॉस्ट ये और ये आपका टोटल एंड ये आपका ट्रांसफर प्राइस। से फ्रेंड्स परफेक्टली क्लियर होंगे। अब इसके बेस पे आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 6.3, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 6.5। एग्जैक्टली सेम है सॉल्यूशन फॉर्मेट, डिसीजन मेकिंग आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। लिमिटिंग फैक्टर, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर आर, रैंक फॉर प्रोडक्शन, देन यू प्रिपेयर द प्रोडक्शन प्लान एंड देन फाइनल आंसर। आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? बताइए आप मुझे परफेक्टली क्लियर ऑन नॉट? ट्वेल्व परसेंट आपका कौन सा है? 12% आपका आफ्टर टैक्स है। सही है सोना फ्रेंड्स, 23.611 आपका हो जाएगा। सही है सोना।